वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑलवेज ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाते बनाते हमको काफी टाइम हो गया था और हमारे फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमें अपने बारे में बताना चाहिए, हमें अपना नाम डिस्क्लोज करना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपना नाम बताएं एंड अपने बारे में भी कुछ बताएं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा नाम जानना है आपको तो आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि हम अपना नाम तो लास्ट में ही बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से एंड शी इज बिलोंग टू राजस्थान। एंड फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ राजस्थान में मैं किसी को नहीं जानती रियली, बट जब मैं यहाँ स्टडी के लिए आई तो हम दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हुई एंड बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई सच में। एंड इन्हें 4 ईयर हो चुका है। हाँ, एक्चुअल मैं यहाँ लॉ कंप्लीट करने के लिए आई थी, जो कि मेरा लॉ कंप्लीट हो गया है, तो हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई एंड बहुत बढ़ती गई है। आज हमारी फ्रेंडशिप इतनी पक्की हो गई कि हमने अपना एक यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा एंड दिखाना चाहा कि हमारी फ्रेंडशिप कैसी है एंड अपनी दोस्ती को सजो के रखने की सोची। हमने सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए अमर कर दें, क्योंकि कुछ ऐसा ही होगा, हमारी वीडियोस हमारे पास रहेंगी और हम देख पाएंगे कि हाँ हम कितना साथ में हैं। बिकॉज इससे आगे पता नहीं हम लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो एंड अभी हमें काफी कम टाइम हुआ है यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए, लेकिन आप सब लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है एंड हमें इसी तरह प्यार देते रहना और हमें हमेशा साथ रखने के लिए, हमें एक दूसरे के साथ रखने के लिए प्रे करते रहना। एंड अब हम बताते अपने नाम। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सी इज कृष्णा एंड मी लीना, कृष्णा शर्मा एंड लीना शर्मा एंड आई एम कॉलिंग हर लीनू एंड आई एम कॉलिंग हर प्रेशु। एंड हमने अपना एप भी आईडी भी बनाया है, जिसमें हमने दोनों का ही वो अकाउंट बनाया है, जिसमें हमने उसे क्रिशली के नाम से अकाउंट क्रिशली शर्मा ऐड किया है। तो आप चाहो तो हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो, हमारे हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। एंड आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये ना बहुत एंग्री वर्ड है। हाँ फ्रेंड, ऐसा तो है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पर, बड़ी बात के लिए नहीं आता है ना, समझदार हूँ, बट छोटी छोटी बातों पे आता है और मान भी बहुत जल्दी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ, मान भी जाती, रियलाइज हो जाता है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ अगर मैं एक बार गुस्सा हो जाती हूँ। हाँ, कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा इतना भयंकर होता है कि मेरे को मनाना पड़ता है, अपने गुस्से पे भी मेरे को मनाना पड़ता है और इसके गुस्से पे भी मुझे ही मनाना पड़ता है, मतलब सॉरी हमेशा ही नहीं बोलना पड़ता है, क्या करें, बोलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमने बता दिया है अपने बारे में, और भी कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमारी दोस्ती को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।